ये हमारा सौभाग्य है कि प्रकृति ने हमें दो ऐसे स्थल दिए हैं जहां हजारों किमी दूर से विभिन्न प्रजातियों के पंछी ब्रीडिंग के लिए आते हैं। एक है लख बहोसी बर्ड सेंचुरी, जिसका निर्माण सन 1988 में किया गया। दूसरा है 15 किलोमीटर दूर सांडी बर्ड सेंचुरी, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। इंदरगढ़ से 5 किलोमीटर दूर व कन्नौज से 35 किलोमीटर दूर दो गांव लख व बहोसी एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां का न्यूनतम ताप 4 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। चहकते चहचहाते परिंदों व वनजीवों के लिए एक प्राकृतिक स्थल इंडियन मैप में इस सेंचुरी का बहुत बड़ा स्थान है। भारत की धरती पर इसे गिने चुने इकोरेंडली स्थलों में से एक माना गया है। तत्कालीन फर्रुखाबाद में तिरवा, छिबरामऊ व शमशाबाद परगना में 8 झीलें थीं। काली नदी और ईसान नदी के बीच स्थित लगून की एक श्रृंखला, इनमें एक झील है लख बहोसी, जो खटिया तिरवा में सबसे निचले इलाके में स्थित है। इसमें काफी फैलाव के साथ पानी बहता है, जो इलाके में सिंचाई के लिए प्रयोग में आता है। सभी झीलें नहरों द्वारा जुड़ी है। झीलों के कारण यहाँ का मौसम, ताप व दाब चारों ओर 80 किलोमीटर एरिया में विदेशी पक्षियों के आकर्षण का केंद्र रहता है। यही कारण है कि मौसम बदलाव के साथ यहाँ देशी विदेशी पंछी ब्रीडिंग के लिए आते हैं। पंछियों का ब्रीडिंग पीरियड नवंबर से मार्च तक है, अतः दिसंबर से मार्च सेंचुरी में भ्रमण के लिए उत्तम समय है। इसके अलावा अन्य जीवों में जैकाल, ब्लूबुल, मंगूज, फिशिंग कैट व बंदर आदि देखे जा सकते हैं। आज लख बहोसी कन्नौज का मॉडर्न डे प्राइड है। हिस्ट्री ऑफ फर्रुखाबाद पिछले कई वर्षों से इसे लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रहा है। आसपास न तो कोई रुकने की व्यवस्था की गई है और न ही खाने पीने के लिए कोई होटल। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस बर्ड सेंचुरी को आज तक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया। अगर पोस्ट पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल बटन दबाना न भूलें।